नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। फार्मेसी कॉलेज में फर्जी आईडी से प्रोफेसर के नाम से सैलरी निकालकर अपने खाते में ट्रांसफर कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रोफेसर की शिकायत पर कॉलेज के दो कर्मचारियों के खिलाफ झांसी रोड थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना की जा रही है। दरअसल ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के पंचशील नगर में संचालित फार्मेसी कॉलेज में धोखाधड़ी की यह वारदात हुई है। फरियादी अनिरुद्ध शर्मा ने शिकायत की है कि श्याम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में नियुक्त कर्मचारी सचिन शर्मा और आकाश पटेल द्वारा फर्जीवाड़ा कर डुप्लीकेट आईडी से सैलरी के 1,25,000 रुपए निकालकर अपने खाते में ट्रांसफर किए गए और राशि का दुरुपयोग किया गया। कॉलेज की ऑडिट रिपोर्ट में भी धोखाधड़ी की बात सामने आई, जिस पर झांसी रोड थाना पुलिस को मामले की सूचना दी गई और पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में दोनों आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये थाना झांसी रोड में कल एक मामला पंजीबद्ध हुआ। वहाँ पर एक श्याम कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज है और उसमें काम करने वाले दो कर्मचारियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है। मामला इस तरीके का है कि वहाँ पर कर्मचारियों ने एक आईडी निकालकर वहाँ पर एक प्रोफेसर की नियुक्ति कराई और उस प्रोफेसर की तनख्वाह जो थी अपने खाते में ले ली। लगभग 1,25,000 रुपये का उसमें फ्रॉड किया गया है और इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दूसरा, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।